वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने चीफ एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। उनकी निष्पक्षता पर सवाल भी उठ रहे हैं। कोर्ट ने बाकी दो कमिश्नरों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी है। विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह अब 2 दिन में सर्वे रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 ही दिन की मोहलत दे दी है। और अब मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी और वहीं कोर्ट ने बाकी 2 अर्जियों पर और शिवलिंग की ऊंचाई लंबाई नापने वाली याचिका पर बाद में सुनवाई करेगी। शिवलिंग की पैमाइश के मसले पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी गई है, जबकि टॉयलेट और पानी के पाइप आदि को लेकर हिंदू पक्ष से आपत्ति मांगी गई है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अदालत ने ये पाया है कि अजय मिश्रा ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए प्राइवेट वीडियोग्राफी रखा था और वो लगातार मीडिया में केस से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात भी रख रहे थे और इसी वजह से उन्हें कार्यमुक्त करने का फैसला लिया गया। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता राजकुमार चौधरी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, कोर्ट ने जिस तरीके से बाकी 2 कमिश्नरों की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत और दे दी है, क्या कुछ अब तक का अपडेट है इस पर? बिल्कुल शिवानी, निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जो ये मसला था, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था काशी के लिए जी। बनारस में जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में कहीं ना कहीं शिवलिंग और बाकी हिंदू जो मंदिर है उसको लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उस दावे को लेकर 3 वकीलों की एक कमेटी बनाई गई जिनको कोर्ट कमिश्नर का नाम कहीं ना कहीं दिया गया और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत भरोसे के साथ अदालत ने यह फैसला लिया। उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से भी 2 लोग और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी 2 लोगों को वहां डिप्यूट किया गया। उसके अलावा जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। लेकिन आज एक घटनाक्रम के तहत सुबह जिस तरीके से अजय मिश्रा जो एक कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे, उन्होंने जिस तरीके से मीडिया में अपना एक बयान जारी किया, इसको बेहद गंभीरता से कहीं ना कहीं अदालत ने लिया और उन्हें कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया है। अब विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट रखेंगे, 2 दिन का उन्हें समय दे दिया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर रखी है। जिस तरीके से तथ्य निकल के आ रहे थे, अजय प्रताप सिंह जो तीसरे कोर्ट कमिश्नर है, केवल अब 2 लोग जो है वही इसके लिए अधिकृत है, अब अदालत में रखेंगे और अदालत उस पर क्या फैसला लेती है आगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, और वही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 दिन की और मोहलत दे दी है। ये मसला दूसरा है शिवानी, अगर इसको समझा जाए तो कुछ लोग जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, वो कुछ लोग इस सर्वे को स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट की एक 2 दलीय जो दो सदस्यों की जो बेंच थी, आज उसने उसमें सुनवाई की और उसमें भी 2 दिन का बृहस्पतिवार तक का 19 तारीख तक का समय मुकर्रर कर दिया है और तमाम प्रशासन जो भी पक्ष है इसमें, हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और तकरीबन 9 जो पक्ष बनते हैं उनको आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी आज शाम तक कर दिए जाएंगे और वो लोग अगले 2 दिनों में अपना पक्ष कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, उसके बाद ही इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को एक निर्देश दिया है कि वहां पर जो नमाजिए नमाज पढ़ते हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो सर्वे में तथ्य निकले हैं, जो तथ्य जिनको शिवलिंग और बाकी तमाम जो नाम दिए जा रहे हैं, उस जगह को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के घेरे में लाया जाना चाहिए ताकि स्थिति थोड़ा सा तनावपूर्ण ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मसला हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के बीच में एक तनाव पैदा कर सकता है। इसको भी बेहद गंभीरता से लेते हुए तमाम प्रशासन को व्यवस्था की गई है। हालांकि पहले से ही CISF अर्धसैनिक बलों के हवाले ज्ञानवापी को कर दिया है और बनारस में भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सरकार ने अपनी तरफ से पहले से किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं। राजकुमार बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बयान सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है, शिवलिंग के दावे की जगह को सुरक्षित रखा जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है, साथ ही शिवलिंग के दावे की जगह को
सुरक्षित रखने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्यवाही पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई है। और साथ ही ये कहा है कि शिवलिंग के दावे की जगह को सुरक्षित रखा जाए। और राजकुमार चौधरी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से राजकुमार का रुख करेंगे। राजकुमार, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा बयान। बिल्कुल शिवानी, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो सर्वे जो हो रहा था, इस सर्वे को स्टे कराने के लिए मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खटखटाया था कि इस सर्वे को रोक दिया जाए, लेकिन क्योंकि सर्वे का काम निरंतर हो रहा है और सर्वे का काम पूरा हो चुका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके दरवाजे को खटखटाया था। उन्होंने कहा कि पहले मैं पक्षों को सुनूंगा, समझूंगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कोई निर्णय लिया जा सकता। और सर्वे की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू पक्ष के अलावा तमाम जिम्मेदार वकीलों को उसमें मुकर्रर किया गया है, तो वो कहीं एक तरफा कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है सर्वे, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। अदालत को ये पता लगना चाहिए कि आखिर वहां पर है क्या, हिंदू पक्ष अपना दावा जो कर रहा है और मुस्लिम जो पक्ष अपना दावा कर रहे हैं, जो वहां की पूरी वीडियोग्राफी है उसकी जो रिपोर्ट आएगी शिवानी, दो दिन बाद बंद कमरे में दोनों जज बैठकर उसको देखेंगे और उसके बाद ही इस पे कोई निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि हिंदू पक्ष अपने दावे करता रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे पहले मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद को निर्माण कहीं ना कहीं औरंगजेब के समय में किया गया। तो इतिहास के पन्नों को जो पलटने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें तथ्यों को जो लिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी जिम्मेदारी का एक परिचय दिया है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत है, तो सच देश के सामने आना चाहिए। और ये भावनात्मक लगाव है, इससे भाईचारा कहीं ना कहीं बेहतर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी जब होगा, स्पष्ट होंगी चीजें, तो बिल्कुल क्लियर जब चीजें हो जाती हैं तो कहीं मन में किसी की कोई मलाल नहीं रहता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को कहा है कि अभी तक फिलहाल जब तक कोई अगला निर्णय नहीं हो जाता है तब तक वहां जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो सर्वे में जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों की भी सुरक्षा करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार। और वहीं वाराणसी कोर्ट में कमिश्नर कोर्ट की रिपोर्ट पेश करने में दो दिन की मोहलत को लेकर सुनवाई हुई। और वहीं कोर्ट कमिश्नर का यह कहना है कि अभी सर्वे की रिपोर्ट का काम पूरा नहीं हुआ है और इसलिए उन्हें दो दिन का समय और चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज सर्वे रिपोर्ट पेश होने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट सबमिट नहीं होने की वजह से ये सबमिट नहीं हो पाया था और कोर्ट में अधिवक्ता कमीशन ने अगली तारीख के लिए अर्जी लगाई है। कार्रवाई ये हुई है, एक दरख्वास्त जो है सुधीर त्रिपाठी अधिवक्ता ने लगाया है कि वो दीवार जो है उसको हटा करके, मलबा हटा करके देखा जाए। उस दरख्वास्त से राखी सिंह का कोई मतलब नहीं है, राखी सिंह ने उसमें वो नहीं है, एप्लीकेंट उसमें राखी सिंह नहीं है। ये मांग उठाई गई है मंजू व्यास जी के द्वारा और सुधीर त्रिपाठी ने उसको न्यायालय के सामने रखा है, उस पर जवाब देने के लिए, जवाब दाखिल करने के लिए अंजुमन इंतजामिया ने समय मांगा है और अंजुमन इंतजामिया के समय के बाद ही उस पर बहस होगी, जो जवाब आ जाएगा उस तारीख को ही तय होगा, अभी आर्गुमेंट का आदेश नहीं दिए गए। और वही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 जून को अपने पैतृक गांव परनोक्स का दौरा करेंगे, जिसको लेकर न सिर्फ विकास कार्यों बल्कि सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने के लिए प्रशासन कड़े इंतजाम की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज कानपुर जोन IG प्रशांत कुमार और कमिश्नर राजशेखर ने परौंख गांव में सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य चल रहे कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने गांव में बन रहे हेलीपैड, स्कूल, अंबेडकर पार्क और राष्ट्रपति के द्वारा बनवाया गया मंदिर और गांव की गलियों में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे हैं। कार्यक्रम का जनसभा होने का भी संभावना है और उसके साथ गांव का भ्रमण होने का भी है, तो अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं है, अभी प्रस्तावित है और जैसे फाइनल हो जाएगा तो हम अकॉर्डिंगली जो है वो तैयारियां जो आपने पॉइंट दिए थे या इन पॉइंट में जाने की संभावना है। देखिए, हम लोग तैयारी एडवांस में सब करते हैं ताकि लास्ट मोमेंट में कोई भी चीज़ आ जाती है तो कोई चीज़ गलत हो जाए, तो इसलिए हम लोग सभी बिंदु कवर करते हैं कि संभावित होता है यहाँ पे, तो जब वो वहाँ से
हो के आ जाएगा राष्ट्रपति भवन से और प्रधानमंत्री और कार्यालय से, तभी फाइनल हो पाएगा, तभी प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो हम कोई भी बिंदु ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि जो कि लास्ट मिनट में आने के बाद हमें तैयारी एक्स्ट्रा करना पड़े, तो हम तैयारी करके सब रखेंगे और जो भी भ्रमण करना है, देखना है, वो देख सकते हैं। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर टीम 9 की बैठक की, जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में अधिक केसेस मिल रहे हैं, वहां पर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोविड 19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के टीकाकरण और वयस्कों को बूस्टर डोज लगाए जाने के कार्य में तेजी लाई जाए। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी में मकान बनने के विवाद पर पड़ोसियों ने युवक की खुलेआम पिटाई कर दी और वही मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आपको ये भी जानकारी दे दें, मामला झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाले उमेश साहू ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में बताया कि उसके मकान का छज्जा जर्जर हालत में था, जिसे सही कराने के लिए उसने मिस्त्री बुलाकर मिस्त्री से बातचीत कर रहा था और जिसके बाद पड़ोसी से कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पड़ोसी द्वारा उसके साथ मारपीट कर दी गई। और वहीं हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में खेत पर मूंगफली की फसल की रखवाली कर रहे किसान पर आदमखोर जानवर ने हमला कर दिया और उसे मौत की नींद सुला दी। सांडी थाने के सदुल्लापुर में हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई है। और वहीं एसडीएम बिलग्राम राहुल विश्वकर्मा ने कहा कि किसान के घर वालों को हर मुमकिन मदद दिलाई जाएगी। सर, एक व्यक्ति की मौत हुई है, कैसे क्या मौत हुई है, क्या जानकारी है सर? थाना सांडी निवासी जोगेश्वर, जो कि अपनी मूंगफली की खेती खाने गए थे, रात में अज्ञात जानवर द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस को जिससे सूचना मिली, पुलिस ने शव को पंचायत में भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जो भी कारण आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। और वहीं ज्येष्ठ माह के पहले मंगल को रायबरेली के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। जहानाबाद के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान और पेपर मिल के अभयदाता में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी हैं। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगल को बड़ा मंगल भी कहते हैं। इस बार ज्येष्ठ माह में 5 मंगल पड़ेंगे। पहले बड़े मंगल के दिन श्रद्धालु की यही कोशिश रही कि वो सबसे पहले राम भक्त हनुमान के दर्शन का सौभाग्य हासिल करें, और यही वजह रही कि सुबह से ही यहाँ भक्तों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ बड़े मंगल की धूम केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि चारों तरफ सड़कों पर भी नजर आई। जगह जगह भंडारे लगे रहे और स्टॉल लगाए गए हैं। भीषण गर्मी में लोग यहाँ पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते और शरबत पीते नजर आए। भीम शंकर द्विवेदी, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का अध्यक्ष हूँ। पंडित जी, आज से बड़े मंगल शुरू हो गए हैं, तो देश में कितने मंगल पड़ेंगे और क्या महत्व है इस दौरान जो पूजन होता है मंदिर का, इसका क्या महत्व? ये देश का बड़ा मंगल आज पहला है। भगवान राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, इसलिए इसका विशेष महत्व दिया गया है। और इसके अब की 5 मंगलवार पड़ रहे हैं जेठ में, तो ये 2 साल से कोरोना की वजह से सब बंद था। अब की कुछ लोगों में उत्साह भगवान के प्रति हुआ है, तो दर्शन करने श्रद्धालु सुबह से भीड़ लगी हुई, हजारों की संख्या में, शाम तक काफ़ी भीड़ रहेगी, तो इसका यही महत्व है। भगवान राम से मुलाकात हुई थी हनुमान जी। आज ज्येष्ठ माह का पहला पवित्र मंगलवार का पावन दिवस है। आज के दिन भगवान बजरंग बली की पूजा अर्चन करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। उसी ज्येष्ठ मंगल के पावन अवसर पर अटल चौक लालगंज में शरबत वितरण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार बंधुओं के सहयोग से किया गया, जिसमें हमारे पत्रकार बंधु उमेश श्रीवास्तव जी, मोहम्मद याकूब जी, संजय जी, विजय जी,
यशपाल जी, चंद्रशेखर शरण सिंह जी, अशोक शुक्ला जी, देवेंद्र अवस्थी जी, रण विजय जी, संजय जी, आदित्य जी और सभी जितने भी पत्रकार बंधु हैं और हमारे जो इस वाजपेयी रेस्टोरेंट हैं उनके उमाशंकर वाजपेयी जी, रमाशंकर वाजपेयी जी, सभी के सराहनीय योगदान से शरबत वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर चालू है और लोग बहुत ही बड़ी भारी अवस्था में लोग शरबत वितरण का आनंद ले रहे हैं। भगवान बजरंगबली सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और खबर गोंडा से है, जहां काला बाजारी के लिए लेकर जाए जा रहे सरकारी खाद्यान्न को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कोटेदार के घर के बाहर से बरामद किया है। जानकारी दे दे, एटिया थोक ब्लॉक के हरदया भटवापुर गांव में बिकने जा रहे सरकारी राशन के 50 बोरी गेहूं और चावल को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कोटेदार के घर के बाहर से कब्जे में ले लिया और वहीं आरोपी पिकअप छोड़कर भागने लगा। तभी पुलिस ने पिकअप चालक राजकुमार को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से राशन बेचने जा रहे आरोपियों में हड़कंप मच गया है और वहीं क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक हरिवंश यादव ने जानकारी दी है कि थाने पर पहुंचकर खाद्यान्न की जांच की गई है। जांच की कार्रवाई की जाएगी, उसके विरुद्ध। और खबर बस्ती से है, जहां एसटीएफ लखनऊ और गोरखपुर की टीम ने कोतवाली पुलिस की मदद से माणव नगर टोल प्लाजा से दो अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए तस्करों के पास से स्मैक की बड़ी खेप बरामद हुई है और वही बरामद स्मैक की मात्रा 1 किलो 44 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। और वही पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि स्मैक बिहार के मोतिहारी और रक्सौल में बेचा करते थे और उन्हें बाराबंकी में माल गोरखपुर पहुंचाने के लिए हर चक्कर के 5,000 रुपए दिए गए थे। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इनके अन्य साथियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसटीएफ की लखनऊ यूनिट को इस बात की सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से कुछ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस ले करके इसको बेचने के उद्देश्य से बिहार की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में टोल प्लाजा के पास छापेमारी की गई तो इस गाड़ी को रोका गया। उसमें से दो व्यक्ति जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद हसीब और शमीला यादव पकड़े गए और इनके कब्जे से 1 kg और 44 ग्राम इसमें 2 अदद मोबाइल और 15,000 रुपये बरामद हुए। और वहीं रायबरेली में नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर पालिका का बुलडोजर चल रहा है। नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए घर के बाहर नाली और नालों पर बने पक्के सड़क को बुलडोजर से तोड़ दिया है। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह के मुताबिक ये अभियान पूरे शहर में चलाया जाना है। जवाहर विहार में हुई कार्रवाई को लेकर पहले ही लोगों को सूचना दे दी गई थी। जिन लोगों ने तय सीमा में निर्माण को नहीं हटवाया है उन्हें सरकारी बुलडोजर से तोड़ा जाएगा और जिसका खर्च भी अतिक्रमणकारी को ही वहन करना पड़ेगा। कार्यकारी अधिकारी का ये कहना है कि लोगों ने नाली पर पक्का निर्माण करा रखा है और जिसकी वजह से जल भराव की समस्या होती है और वहीं आगामी मानसून से पहले सभी अतिक्रमण को यहाँ पर हटाया जाना है। आज हम लोगों ने जवाहर विहार कॉलोनी में जिन लोगों ने भी नाली नालियों के ऊपर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था उस अतिक्रमण को हटाते हुए नाला और नाली की सफाई की कार्रवाई करवाई है और ये कार्यक्रम पूरे शहर में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री नगर विकास जी के आदेश के क्रम में शहर में जहाँ पर भी नाली नालियों के ऊपर अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटवा करके हम लोग नालियों की सफाई करवा रहे हैं, जिससे कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जलभराव की समस्या न हो या कम से कम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूखे की त्रासदी झेल रहे बुंदेलखंड में अमृत सरोवर तालाब बनाया जा रहा है और वहीं डीएम प्रियंका निरंजन ने निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निरीक्षण भी किया। दरअसल जालौन में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की ओर से 125 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है
और वहीं गिरते जल स्तर को बढ़ाने और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छता के लिए अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। देखिए जनपद जालौन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो 125 अमृत सरोवर क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसी में ही ये डकोर ब्लॉक की मिनौरा काल्पी ग्राम पंचायत का आज निरीक्षण किया गया है। यहाँ दो नए अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान एवं आप सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि समय से इसको पूरा करें और ये ताकि हमारे अमृत सरोवर का निर्माण जो है वो लक्ष्य के अनुरूप पूरा हो सके। और वहीं विद्युत संकट के चलते जालौन में बिजली की कटौती से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं हालात ये हैं कि बमुश्किल लोगों को 10 से 12 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल पा रही है, उसमें भी दिन और कई बार बिजली की आवाजाही रहती है। इसके अलावा फॉल्ट की दिक्कत के चलते पब्लिक को बिजली कटौती का सामना करते हुए उमस और भीषण गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। देखिए संबंधित विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कहीं पर भी कोई अगर फॉल्ट होता है तत्काल जाकर सही करें। इसके साथ ही एक प्रदेश स्तर पर समस्या थी, कुछ उत्पादन इकाइयां तकनीकी समस्याओं के कारण बंद थी जिससे उत्पादन में कमी आई है। विगत कुछ दिनों में 2-3 दिनों में कुछ समस्याएं आई हैं लेकिन शीघ्र ये तकनीकी समस्या सही हो जाएगी और जो भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो भी समाधान हो जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।